एक मैसेज देना चाहता हूँ कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो जो फौज का यहाँ आना जाना ये 1990 से आज तक चालू है। ये तो डिफेंस को अपना मामला है, हालात की सिचुएशन से देखकर वो यहाँ फौज को डिबीट करते हैं, तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सारी कौम को एक बार फिर आपकी वसादत से मैसेज देना चाहता हूँ, ये जो कुछ आप देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहे हैं, इन अफवाहों पर कान न धरें। जो कल से यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में ये अफवाहें फैले हैं, मेरे अंदाज से हमारे अंदाज से ये खाने के लिए ये कर रहे हैं अफवाह, क्योंकि कल इन्होंने क्या कहा, फूरी तौर ऐसे कार्रवाई, लोगों को परेशान किया, लोग बाज़ार में जो ये तेल के डिब्बो है यहाँ, वहाँ की हालत देखिए क्या हो रहा है, ये खामखा आफा है। मुझे लग रहा है लोगों को ये सोचना चाहिए, देखना चाहिए, आफा है, कोई परवाह नहीं, कोई किसी मसले के साथ हाथ नहीं लगाएगा। सबसे पहले अब यहाँ कश्मीर में ईद आने वाले है, कुछ नहीं हो जाएगा। मेरे अंदाजे से लोगों को शांति में रहना चाहिए और अच्छी तरीके से ईद करना चाहिए। भागने का एक ही मकसद है, आपने कल से ही देखा है टूरिस्ट यहाँ भागे नहीं है, हमने भी देखा। ये भी मैंने आपको पहले ही कह दिया है, मैं जम्मू कश्मीर अवामी फोरम की तरफ से तमाम टूरिस्ट को एक मैसेज देना चाहता हूँ। जो आपने कल टूरिज्म के हवाले से एक मैसेज सुनी है, वो तो भी एक सोशल मीडिया में वायरल हुई है, मैं उनको भी मजम्मत करता हूँ। और जो कल आप 11 बजे रात आपने देखा है गुपकार रोड पर क्या हो रहा है, लोगों ने उन सियासतदानों को रिजेक्ट किया है जो भी उसमें है, चाहे PDP हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, जब भी कौम के साथ किसी तरीके से कोई खिलवाड़ हुआ है वो इन्हीं तंजीमों ने किया है। आज ये वोट बैंक हासिल करने के लिए सड़कों पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर अवामी फोरम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ना हम पहले करप्शन का खात्मा करवाएंगे। करप्शन का खात्मा करवा के ही हम दम लेंगे। बाकी ये कि एडमिनिस्ट्रेशन का मामला अपने ही मामला हैं, फौज आना जाना, यहाँ का जो पुलिस का अहम रोल है, हम उसको भी सल्यूट करते हैं, हम उसको भी सलाम करते हैं कि वो भी लोगों पर नज़र रखे हुए हैं। तो बाकी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पॉलिटिशन सियासतदान कर रहे हैं। जिस तरह PDP ने कल एक ड्रामा शाम के वक्त किया है, ऐसा लग रहा था कि जब मैं TV देख रहा था कि नौजवान हैं, अगर वो सड़कों पर आएंगे उस वक्त और भी लोग, कहीं पत्थर ना ऐसा हो ना जाए कि सिविल कैजुअल्टी, ये भी पॉलिटिकल एक वायलेशन है, हम इसको मजम्मत करते हैं, उसको कंडम करते हैं। बाकी जो यहाँ हालात हैं वो नॉर्मल हालात हैं। कौम को मैं एक बार फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।